गर्मियों के मुकाबले ठंड में हमारे बॉडी का मसल टिश्यू 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है और इसके साथ साथ स्पर्म काउंट भी बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसीलिए अगर आप ठंड में वर्कआउट को अच्छे तरीके से करते हो और कुछ बातों का ध्यान रखते हो और कुछ टिप्स को फॉलो करते हो जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप बहुत जल्दी ही अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लोगे और अपने बॉडी को एक अच्छा खासा लुक दे दोगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और एक एक टिप्स को ध्यान से समझिएगा। टिप्स नंबर 1, आपको अपने डाइट में अदरक और लहसुन इन दोनों की मात्रा को बढ़ा देना है, क्योंकि अदरक और लहसुन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और दूसरी बात कि अदरक और लहसुन आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाती है और जिससे आपका बॉडी गर्म रहता है, मसल्स बहुत तेजी से बनते हैं और आपकी जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा पीक पे रहती है। तो आपको किसी भी चीज के साथ, आप सब्जी खा रहे हो या फिर अपने डाइट में जो भी ले रहे हो, उसके साथ आपको अदरक और लहसुन इन दोनों की मात्रा को बढ़ा देना है। और इसके अलावा अगर आप अपने डाइट में पीनट बटर और इसके साथ साथ बॉयल अंडे को ऐड कर लेते हो ना, तो ये आपके बॉडी को और ज्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी। टिप्स नंबर 2, बी सीरियस। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो आपके पास 3 से 4 महीने है ना, ये जो ठंडी का मौसम है, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए आपको ठंड के एक दिन को भी बर्बाद नहीं करना है, अपने बॉडी को बनाने में लगाना है। और इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अपना एक माइंडसेट बना लो कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस 4 महीने के अंदर अच्छे तरीके से वर्कआउट करना है, अपना पूरा 100% क्या 200% दे देना है। दूसरी बात, अपने डाइट को ठीक करो। आपको जो भी पॉकेट मनी मिलता है उससे कुछ पैसे सेविंग करो और उन पैसों से उन चीजों को खरीदो जो कि आपके बॉडी को बनाती है, आपके मसल्स को बनाने में मदद करती है। क्योंकि अगर आप इन 3 महीनों में अपने डाइट को ठीक तरीके से फॉलो कर लिए ना, तो आपको अपने बॉडी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ठंडे के मौसम में हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है और इसीलिए इस एनर्जी को गलत कामों में वेस्ट मत करो, बल्कि अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में लगाओ। और अगर आप मेरी मानो तो इन 3 से 4 महीने आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, आपको अपनी बॉडी तो क्या, आपको पूरी जिंदगी बदली हुई नजर आएगी। मैं बहुत जल्द ब्रह्मचर्य के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं इस चीज को खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगी। टिप्स नंबर 3, जितना हो सके हैवी वेट से वर्कआउट करो, लेकिन पोस्चर का ध्यान रखो। देखिए, आप जितना ज्यादा हैवी वेट से वर्कआउट करोगे, आपके मसल टिश्यू में उतना ही ज्यादा टियर्स आएंगे, यानी कि मसल्स में उतना ही ज्यादा दरारें आएगी। और जब आप एक सही डाइट को फॉलो करोगे तो उससे जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगी वो आपके इन दरारों को बहुत जल्दी रिकवर करेगी और जिससे आपका मसल पहले के मुकाबले कुछ गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब यही प्रोसेस बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा तो आप अच्छा खासा अपने बॉडी में मसल्स गेन कर लोगे। तो इसीलिए जितना हो सके हैवी वेट से वर्कआउट करो, चाहे आपका रेपिटेशन क्यों ना कम हो जाए, लेकिन आपको अपने पोस्चर को ध्यान रखना है भाई, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैवी वेट उठाने के चक्कर में पोस्चर का ऐसी की तैसी कर देंगे और फिर बाद में कहेंगे कि सर हमारी बॉडी जल्दी नहीं बन रही है, हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो हैवी वेट उठाओ, लेकिन जितना आपकी पोटेंशियल है उससे ज्यादा नहीं। और देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप अच्छे तरीके से वर्कआउट करोगे, हैवी वेट उठाओगे, तो आपके मसल्स ब्रेकडाउन तो ज्यादा होंगे ही और उसे रिकवर करने के लिए आपको एक अच्छा डाइट तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी और फोलिक एसिड। और इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग खाने पीने की चीजों से इतने सारे मिनरल्स और विटामिन्स को नहीं ले पाते हैं और जिससे हमारी मसल्स जल्दी से रिकवर नहीं होती है और हमारी बॉडी को बनने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। और इसीलिए अगर आप इन 3 महीने को बर्बाद नहीं करना चाह रहे हो, अपने बॉडी को जल्दी बनाना चाह रहे हो, तो आप चाहे तो ले सकते हैं फाइटिका का वीटा 365, जिसमें आपको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो कि आपके बॉडी को जल्दी बनाने के साथ साथ आपके स्टेमिना को बूस्ट करती है और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। तो अब मैं आपको इसे खाने का सही तरीका भी बता देता हूँ। तो देखिए, आप इसके 1 टैबलेट को सुबह नाश्ते के बाद या फिर रात को डिनर के बाद पानी के साथ खा सकते हो। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में इसका बेस्ट बायर लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। टिप्स नंबर 4, वर्कआउट प्लान। देखिए, नॉर्मली हम लोग ऐसे एक दिन में अपने एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं और इस हिसाब से हम लोग एक वीक में अपने एक मसल्स को केवल एक ही बार ट्रेन कर पाते हैं, यानी कि महीने में केवल 4 बार। लेकिन अगर आपको अपने बॉडी में फर्स्ट रिजल्ट देखना है तो आपको कम से कम एक मसल्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन जरूर करना चाहिए और इसीलिए आपको 1 day 2 body part वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि हर एक सिंगल डे आप अपने 2 muscles group को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करोगे और जिससे हफ्ते में आप अपने हर एक मसल्स ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर पाओगे और जिससे आपके मसल्स टिश्यू ज्यादा ब्रेक डाउन होंगे और मसल्स ज्यादा मात्रा में बनेगी, यानी कि आपकी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी होगी। टिप्स नंबर 5, अवॉइड दिस मिस्टेक, यानी कि कुछ बातें हैं जिससे आपको परहेज करना है। सबसे पहली बात कि ठंड के समय हमारी बॉडी कैलोरी को बहुत कम बर्न करती है और इसीलिए अगर आप अपने वेट को गेन करना चाह रहे हो तो आप केवल 3 वक्त का खाना भी ठीक तरीके से खा रहे हो ना, यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का जो भी आपका लंच है
और रात का जो भी डिनर है, उन तीनों चीजों को ठीक तरीके से खा रहे हो और अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हो ना, फिर भी आपका बॉडी सरप्लस कैलोरी में रहेगा, यानी कि आपकी बॉडी बनेगी, आपके मसल्स बनेंगे। दूसरी बात कि ठंडे के मौसम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा तेल से बने चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि तेल से बने चीजों से, फास्ट फूड से हमें केवल फैट मिलता है और जो कि ठंडे के मौसम में ठीक तरीके से बर्न नहीं होती है और जिससे हम लोगों का तोंद बाहर आने लगता है और साथ ही साथ मसल्स रिकवरी जो प्रोसेस होता है वो भी धीमा पड़ जाती है। तो इसीलिए जितना हो सके तेल से बनी चीजों का सेवन कम से कम करो, बाहर का खाना बंद कर दो और हो सके तो आप घी खा सकते हो। घी के साथ आप कुछ भी खा सकते हो। घी में भले ही फैट होता है लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए गुड फैट होता है। और तीसरी बात कि अगर आप शराब पीते हो या फिर स्मोकिंग करते हो तो इन सब चीजों से परहेज करो, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके स्टेमिना लेवल को गिराती है, साथ ही साथ आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को घटाती है, एजीएच हार्मोन को घटाती है, और ये सब वो चीजें हैं जो कि एक सही बॉडी के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो नीचे कमेंट करो और अपना नाम लिखो और साथ में आज का डेट लिखो और बोलो कि सर आज से चार महीने, आने वाले जो चार महीने हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी से वर्कआउट करूंगा, अपना 200% दूंगा, अपने बॉडी को बनाऊंगा, अपने हेल्थ को सही करूंगा। और ब्रह्मचारी वाले वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।